माधव मानव के रूप में जन्म लेकर पुनः माधव के रूप में उन्नत होता है, यह सृष्टि की रचना है। परमात्मा के रूप में है, नीचे उतर आते हैं, मानव की तरह रहते हैं, पुनः उन्नत होकर परमात्मा की तरह जाना है, यह कार्यक्रम सृष्टि का कार्यक्रम है। चाहकर ही आता है परमात्मा, मानव के रूप में जन्म लेने के लिए चयन करके आता है, निर्णय करके आता है, मुझे मानव की तरह जीना है, इस इच्छा से आता है माधव। मुझे मानव के रूप में जन्म लेकर मानव के जैसे जीना सीखना है। मेरे बारे में मुझे ज्ञान ना होने से भी मुझे अहिंसा पूर्वक जीना सीखना चाहिए, इसलिए आता है। अपने बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने मानव के रूप में जन्म लिया है, इसलिए मानवता से जीना चाहिए, अहिंसा से जीना चाहिए, यह निर्णय लेकर आता है, किंतु हिंसा से जीता है, सभी को नोच कर खाता है, सभी को मार डालता है, मृत्यु के पश्चात ऊपर के लोकों में जाने पर अरे रे मैं मानव की तरह जी नहीं सका, इस तरह रोते हुए जाता है, पुनः निर्णय लेता है, फिर से मानव के रूप में जन्म लूंगा, अब की बार अवश्य सही विधान में जीऊंगा, निर्णय लेकर आता है, पुनः वही मुर्गे को मार डालता है, बकरी को मार डालता है, गाय को मार डालता है, बैल को मार डालता है, खाता है, चला जाता है, पुनः वहां रोता है, मैं मानव के रूप में निर्णय लेकर आया था ना, मानव जैसे मैं नहीं जी पाया, रोता है। जब मानव मानवों की तरह जीना सीखेगा तभी वह पुनः वापस नहीं आएगा, वह परमात्मा बन जाता है। हमारा कर्तव्य यही है कि अहिंसा परमो धर्मः, पति अपनी पत्नी को नोचता रहता है, सास अपनी बहू को नोचती रहती है, बहू अपनी सास को नोचती रहती है, एक घर वाला अपने पड़ोसी घर वाले को नोचता रहता है, सभी मानव मिलकर जंतुओं को नोच नोच कर खा रहे हैं। हे रामचंद्र, क्या ये नोच कर खाना हिंसा में अहिंसा में आने से मानव ही माधव बन जाता है, यही हिसाब है। कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिव्य चक्षु की आवश्यकता नहीं है, आत्मज्ञान नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, अहिंसा से जीना चाहिए, स्मरण रखिए। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर संक्रांति पर्व के अवसर पर मुर्गों की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें दो मुर्गे को लड़ाने के लिए उकसाकर एक दूसरे पर छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ मादक द्रव्य भी पिलाया जाता है, जिससे दोनों मुर्गे पूरी शक्ति लगाकर भिड़ जाते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ प्रयोजन के लिए मुर्गों के पंखों में छोटे छोटे चाकुओं को बांध देते हैं, जब वे एक दूसरे पर झपटते हैं तो इन चाकुओं के कारण घायल होकर खून बहता रहता है, दोनों मुर्गे मरते हुए भी भिड़ते रहते हैं, बहते हुए खून, उनकी पीड़ा सब देखते हुए भी मानव आनंदित होते रहते हैं। कितने निर्दयी हैं, मूक जीवों पर इतनी हिंसा, वह हंसता रहता है, खून बहाते हुए वे त्योहार कैसे मना सकते हैं। मुर्गों को भिड़ाकर लड़ाकर जब लथपथ खून में पड़े मर जाते हैं तब उनके मांस को पकाकर खाते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है, क्या यही हमारी संक्रांति पर्व है। हे रामचंद्र, अहिंसा परमो धर्मः, मानवों को अहिंसा में जीना चाहिए, संपूर्णता, सारे मानव भी अहिंसा में जीने तक हम सब भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ध्यान करते ही रहेंगे, इन सभी के लिए हम कटिबद्ध हैं।
कटिबद्ध रहेंगे। आखिरी मानव भी अहिंसा में जीने तक हमारी इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट कटिबद्ध है। केवल बातों से कहने पर वे अहिंसा में नहीं आएंगे, इसलिए हम ध्यान बताएंगे एवं सिखाएंगे। उन्हें कहेंगे, आंखें बंद कीजिए, श्वास पर ध्यान लगाइए, तब तुम्हारा मन परिवर्तित होकर हिंसा से अहिंसा में आ जाएंगे, राक्षसत्व से मानवत्व में आ जाएंगे। आप मानव के रूप में जन्म लिए हैं, आप मानव जैसे जिए। नो मुर्गा, नो बकरी, बकरा, नो मछली, नो झींगे, नो केकड़े। अच्छी तरह अमरूद खाइए, आम खाइए, केला खाइए, मिर्ची पकोड़े खाइए। हमारे PSSM का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है, अर्थात भूमि पर अहिंसा को स्थित करने के लिए PSSM प्रादुर्भूत किया है हमने। अहिंसा परमो धर्म। हमारे शाकाहार जगत के श्रीनिवास जी के लिए जोर से तालियां बजाएंगे हम। उन्होंने एक महान उद्यम को प्रारंभ किया है, शाकाहार जगत को। यहाँ पर क्या वे आए हैं? हमारे क्रिसमस के दिन चिकन, मटन, गाय, बैल खाते हुए करुणामय कहते हैं और गुणगान करते हैं, इसमें क्या कोई अर्थ है? जीसस क्राइस्ट तो करुणामय है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उनके जैसे बनना चाहिए। हमसे जो निम्न स्तर में हैं, उनके प्रति करुणा भाव, जंतु साम्राज्य के प्रति करुणा, गाय के प्रति करुणा, बैल के प्रति करुणा, ऊंट के प्रति करुणा, मछली के प्रति करुणा, झींगे के प्रति करुणा। उन छोटे भाइयों को हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। बड़े भाई हम मानव हैं, मानव की तरह जीना चाहिए। यहाँ अच्छा ही है, बाहर जाएंगे तो मांस हर जगह लटकता हुआ रहता है। हे रामचंद्र, जान निकल जाती है। उन जंतुओं की पीड़ा देख नहीं सकते हैं, रो रहे हैं हम। ठीक है, एक हाथ की पांच उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? पांच उंगलियां। जो सबसे छोटी उंगली है, शरीर अंगूठी वाली उंगली, मन बीच वाली बुद्धि, तर्जनी आत्मा, अंगूठा सर्वात्मा है। कितने ही योग हैं। शरीर भूल जाए तो मन पर संलग्न करना है, शरीर को भूल जाना है, वही ध्यान योग है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरी आयु 20 वर्ष है, 30 वर्ष है, मैं मनुष्य हूँ, ये सभी भूल जाना चाहिए। शरीर को भूलकर मन को पकड़ लेना चाहिए, यह ध्यान योग है। मन को भूलकर बुद्धि को पकड़ना चाहिए, यह बुद्धि योग है। बुद्धि को भूलकर आत्मा को पकड़ना चाहिए, यह ज्ञान योग है। आत्मा को सर्वात्मा को पकड़ना चाहिए। इस जेत वनम को आने के लिए हम अपने घरों को छोड़कर आए हैं ना? नहीं तो घर को छोड़े बिना क्या हम जेत वनम को आते हैं? एक को छोड़े बिना क्या हम दूसरे को जा सकते हैं? एक सीढ़ी को छोड़ने से ही ऊपर की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ऐसे ना होकर नीचे की सीढ़ी को ही गले लगाकर बैठेंगे तो ऊपर की सीढ़ी पर क्या चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे ना। इसी तरह शरीर ही चाहिए, ऐसे बैठे रहेंगे तो मन में जा नहीं सकते हैं। मन ही चाहिए, ऐसे बैठे रहेंगे तो बुद्धि में नहीं जा सकते हैं। बुद्धि ही चाहिए, ऐसे बैठे रहेंगे तो आत्मा में नहीं जा सकते हैं। आत्मा ही चाहिए, ऐसे बैठे रहेंगे तो सर्वात्मा में नहीं जा सकते हैं।
प्राइमरी स्कूल में भर्ती होते हैं, वहां से उसे छोड़कर हाई स्कूल को जाते हैं, हाई स्कूल को छोड़कर कॉलेज को जाते हैं, कॉलेज को छोड़कर यूनिवर्सिटी को जाना है या नहीं, ये प्राइमरी स्कूल के लक्षण मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं 30 वर्ष की हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सारे दांत निकल गए, बाल सफेद हो गए हैं, ये सभी प्राइमरी स्कूल हैं। जो मैं शरीर हूँ ऐसा सोचते हैं वह, मैं मन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब भी मन की शैतानी है। इन सभी को भूल जाना चाहिए, अगली सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। ऊपर की सीढ़ी बुद्धि है। अरे मैं हिंसा में जी रहा हूँ, अब अहिंसा में जीना है, करुणामय बनना चाहिए, ये सब भी बुद्धि की कुशलता है। शरीर को छोड़कर मन के पास जाकर, मन को छोड़कर बुद्धि के पास जाकर, बुद्धि को छोड़कर आत्मा में रहना चाहिए। मैं सभी जगहों में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सदैव रहती हूँ। सीढ़ी चढ़ना है तो शरीर को छोड़कर मन को पकड़ना चाहिए, मन को छोड़कर बुद्धि को पकड़ना चाहिए, बुद्धि को छोड़कर आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, आत्मा को छोड़कर सेवा करनी चाहिए। सभी को चार योग, चार सीढ़ियां, सर्वात्मा परम पद सोपान है। सांप सीढ़ी खेल में परम पद सोपान होता है, वहां पर सांप नहीं होते हैं, सीढ़ियां भी नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। परम पद सोपान यह सर्वात्मा है। यहाँ पहुंचने के लिए हमें चार सीढ़ियां, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, एक सीढ़ी ध्यान योग, इन दोनों के मध्य में बुद्धि योग अर्थात धर्म योग अर्थात हिंसा से अहिंसा में आना चाहिए, वह धर्म योग है। अहिंसा अर्थात परम धर्म है, हिंसा परम अधर्म है। बुद्धिहीन व्यक्ति अधर्म में जीता रहता है, बुद्धिमान व्यक्ति धर्म में जीता है। अहिंसा परमो धर्मः, यहाँ पर ज्ञात होता है कि बुद्धि को विकसित करना है, मुर्गों की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, पंखों के बीच में छुरियों को नहीं बांधना चाहिए। जो ये काम करते हैं वे मूर्ख शिखामणि हैं। बुद्धिमान बनकर धर्मानुसार जियो, मुर्गों का रक्षण करो, भक्षण मत करो। अहिंसा परमो धर्मः, यहाँ पर समझो कि मन क्या कहता है, लड़ने दो, मरने दो, काटने दो कहता है, बुद्धि क्या कहती है, नहीं कहती है, धर्म में जियो कहती है, यही बुद्धि योग है। मन को छोड़कर बुद्धि को पकड़ना है, तत्पश्चात बुद्धि को छोड़कर आत्मा को पकड़ना है। शुभाशुभ परित्यागी कहा है भगवद गीता में, शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, यो ना शोचति, जो ना शोच दुखी होता है, यो ना कांक्षति, कोई भी किसी की चाह नहीं रखता, किसी से भी द्वेष नहीं रखता, भक्तिमान जो मुझे ही चाहता है वही मेरा प्रिय है, भगवद गीता में कहा है। अर्थात बुद्धि से आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। बुद्धि अच्छा बुरा बताती है, बुद्धि को छोड़कर आत्मा के अंदर प्रवेश कीजिए। शुभ अशुभ परित्यागी, बुद्धि में से ऊपर जाइए, आत्मा में प्रवेश कीजिए। हमने ऐसे ही प्रवेश किया है, इसलिए मुर्गों की स्पर्धा देख पा रहे हैं बिना रोए। हम सब आत्म स्थिति में हैं। यहां सभी को मेरे नमस्कार। पांच उंगलियां, चार योग, चार सीढ़ियां, सभी को सीढ़ियां चढ़नी ही चाहिए। सीढ़ियां उतरकर ही आए हैं, हमें सीढ़ियां चढ़कर ही जाना है। ध्यान योग, शरीर को छोड़कर मन को पकड़ना। बुद्धि योग, मन को छोड़कर बुद्धि को पकड़ना। ज्ञान योग, बुद्धि को छोड़कर आत्मा को पकड़ना। सेवा योग, आत्मा को छोड़कर सर्वात्मा को पकड़ना। मैं स्त्री पुरुष रूपी शरीर की स्पर्हा को निकालना है। मुझे 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष यह शरीर की
स्पर्हा को निकालना ही ध्यान योग है। शरीर नहीं है हमें, केवल मन ही है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए मन के साथ रहना है, शरीर के साथ रहने के लिए नहीं है। आंखें बंद करने से शरीर नहीं है, आंखें खोलने पर ही शरीर से रहते हैं। आंखें बंद करने से शरीर है क्या? आंखें खोलने से इतने सारे हैं, आंखें खोलने से इतने सारे शरीर हैं। आंखें बंद करने से कोई शरीर नहीं है, शरीर को पार करने के लिए ही आंखें बंद करते हैं। ऐसे आंखें बंद करते करते मन को पार कर लेते हैं, बुद्धि में प्रवेश होता है, और आंखें बंद करते करते बुद्धि को पार कर लेते हैं, आत्मा में प्रवेश करते हैं, और आंखें बंद करने से आत्मा को पार करके आत्मा से सर्वात्मा में प्रवेश करते हैं। हरिया।